अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस का इंतज़ार भी करते होंगे। पहले की तरह आज की इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ, लेकिन पहले की इंफॉर्मेशन से थोड़ा डिफरेंट होंगी, डिफरेंट पैटर्न होगा। आज हम मुख्तलिफ साइंसदानों को डिस्कस करेंगे, उनके काम, उनकी इन्वेंशन, उनकी डिस्कवरी, उनकी थ्योरीज को स्टडी करेंगे, जिनमें हमारी कोशिश होगी कि पहले मरहले में हम मुस्लिम साइंटिस्ट को डिस्कस करें और फिर वक्त के साथ साथ हम बेशतर साइंसदानों उनके कामों को भी आपसे शेयर करें। हमारे आज के जो मुसलमान साइंसदान हैं, इनका नाम अहमद बिन मूसा बिन शाकिर है, जो कि 19वीं सदी के निस्फ में बगदाद में पैदा हुए और आपके वालिद का नाम मूसा इब्न शाकिर था। आपके तीन भाई थे, आपके बड़े भाई मोहम्मद बिन मूसा, आप अहमद बिन मूसा और आपके छोटे भाई अल हसन बिन मूसा थे। आप तीनों भाइयों ने जो इब्तदाई तालीम हासिल की, इनमें चंद मजामीन को खसूसियत हासिल थी, और वो मजामीन जिनमें रियाजी, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी और मैकेनिक्स शामिल हैं। इस वक्त बगदाद में इन मजामीन को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी, यही वजह है कि आप भाइयों ने इन्हीं मजामीन को हासिल किया और इन्हीं मजामीन में महारत भी हासिल की। इब्तदाई मराहिल में आप तीनों भाइयों ने सारे मजामीन पढ़े, लेकिन दर्जा बदर्जा आपने मजामीन में महारत हासिल की, जिस तरह आपके बड़े भाई मोहम्मद बिन मूसा ज्योमेट्री और एस्ट्रोनॉमी में महारत रखते थे, आप खुद अहमद बिन मूसा आप मैकेनिक्स और ज्योमेट्री में महारत रखते थे, आपके छोटे भाई अल हसन बिन मूसा ज्योमेट्री में महारत रखा करते थे। आपको बताता चलूं कि आपके वालिद मूसा इब्न शाकिर उस वक्त के खलीफा अल मामून के बहुत अच्छे दोस्त थे, जो कि खुद खलीफा अल मामून खलीफा हारून रशीद के साहबजादे थे। आपकी दोस्ती का एक फ़ायदा यह हुआ कि आपके तीनों साहबजादे बेहतरीन तालीम से आशना हुए और आपने दीगर मजामीन में महारत भी हासिल की, जो कि आपको बता चुका हूँ, मोहम्मद बिन मूसा जो कि एस्ट्रोनॉमी और ज्योमेट्री में महारत रखते थे, अहमद बिन मूसा खुद मैकेनिक्स में महारत रखा करते थे, इसी तरह ज्योमेट्री में महारत रखा करते थे, और आपके छोटे भाई अल हसन बिन मूसा भी ज्योमेट्री में महारत रखा करते थे। आपकी महारत का एक फ़ायदा यह हुआ कि आज भी दुनिया आपको ऑटोमेटिक मशीनरीज का मौजूद तसव्वुर करती है, यानी आपने ऑटोमेटिक मशीनरीज की बुनियाद रखी। जी, हम अहमद बिन मूसा बिन शाकिर की बात करेंगे, जिन्होंने 19वीं सदी के निस्फ में ऑटोमेटिक मशीनरीज की बुनियाद रखी और ऑटोमेटिक मशीनरीज का तसव्वुर पेश किया, जबकि उस वक्त लोगों को इससे मुतल्लिक कोई तसव्वुर ना था, कोई ख्याल ना था। यही वजह है कि आपको ऑटोमेटिक मशीनरीज का मौजूद कहा जाता है। आपने कमोबेश 100 से ज़्यादा ऑटोमेटिक मशीनरीज की इजाद की, इनको बनाया और इनसे मुतल्लिक इनके किए जाने वाले काम के मैकेनिज्म को भी एक्सप्लेन किया। आपकी लिखी गई किताब अल हैल में आपकी तमाम ये इजादात शामिल हैं, जिसे अंग्रेजी जुबान में द बुक ऑफ इंजीनियस डिवाइसेस कहा जाता है। आपकी इस किताब को न सिर्फ लाइब्रेरीज की जीनत बनाया गया, बल्कि आज भी यूरोपियन ममालिक में इंजीनियरिंग के तुलबा को ये तालीम दी जाती है, ये किताब पढ़ाई जाती है। इनमें शामिल की गई इजादात, जिनमें से 20 से ज़ायद मशीनरीज को कारामद बनाया जा चुका है, काबिल इस्तेमाल बनाया जा चुका है, और ये अब आम इस्तेमाल में इंसानों के लिए तैयार की जा चुकी हैं। आपने इस किताब में ना सिर्फ अपनी इन इजादात का जिक्र किया, बल्कि इनकी तस्वीर भी वाज़े की। इसके साथ साथ मशीनरीज के बनाए जाने वाले अमल और फिर इनके किए जाने वाले अमल, जिसे मैकेनिज्म कहा जाता है, इनकी भी वजाहत की। यही वजह है कि ये आज भी दुनिया में मैकेनिक्स में सबसे पहले लिखी जाने वाली एक मुनफरद किताब है, जिसका कोई भी सानी नहीं है, जिसमें हर एक मराहिल को बड़ी वजाहत से बयान किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। आपने ये किताब 860 ईस्वी में लिखी, जबकि आपकी दर्ज की गई इन इजादात में से चंद इजादात कुछ ही हैं, जिनमें आपने ऑटोमेटिक वॉल्व के कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया। आपने ऑटोमेटिक वॉल्व के खुलने और बंद होने, यानी ओपन और क्लोज होने की वजाहत दी, इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया। इसके साथ साथ आपने मैकेनिकल मेमोरीज को एक्सप्लेन किया, आपने मैकेनिकल मेमोरीज का कंसेप्ट दिया। आप में कुछ इंजीनियरिंग के तुलबा होंगे जो जानते होंगे कि मैकेनिकल मेमोरीज किसे कहा जाता है। जी, मैकेनिकल मेमोरीज से मुराद वो कंपोनेंट्स जो कि एक खास लम्हे के बाद, एक खास मुद्दत के बाद काम करते हैं, अमल में आते हैं, यानी
उन्हें एक खास डिले दिया जाता है, वक्त दिया जाता है, और उस वक्त के बाद वो काम करने लग जाते हैं। आपने बेशुमार ऐसी मशीनरीज की भी तैयारी की जो कि पानी के बहाव या पानी के प्रेशर से काम करती हैं, पानी के प्रेशर से अमल में आ जाती हैं। इसके साथ साथ आपने गर्म और ठंडे पानी के ज़रूफ भी तैयार किए। इसके साथ साथ मुईन सतह के कुओं के हाल मालूम करने वाली मशीन, इसके साथ आप आपाशी आबरसानी रसो रसाइल के मसाइल के हल और इनमें इस्तेमाल की जाने वाली मशीनरीज की भी इजादात की। यही वजह है कि आज भी आपको मैकेनिक्स, साइंस और इंजीनियरिंग की दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जाता है, आपके काम को सराहा जाता है। जिस हिसाब से आपको भी बताता चलूं कि आपने ना सिर्फ मैकेनिक्स में महारत हासिल की बल्कि आपने एस्ट्रोनॉमी और ज्योमेट्री में भी महारत हासिल कर रखी थी। यही वजह है कि आपने सोलर ईयर को भी एक्सप्लेन किया और एक साल में पाए जाने वाले दिन और घंटों को भी एक्सप्लेन किया। आपकी अपनी कैलकुलेशंस के मुताबिक साल में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। इसकी वजाहत इसे हमें मालूम हुआ कि साल में कितने दिन, कितने घंटे और फिर कितने लम्हात या कितने सेकंड्स हुआ करते हैं, जिससे हमारे इस मसले का भी हल निकला। रियाजी में कुछ ऐसे मसाइल भी दरपेश होते हैं जिनमें हम कैलकुलेशंस में एक मुसीबत में पड़ जाते हैं, हम अपनी कैलकुलेशंस नहीं कर पाते, जिसके लिए हमें फिर ज्योमेट्री का सहारा लेना पड़ता है, जिसे हम थ्योरम भी कहा करते हैं। यानी थ्योरम्स के जरिए हम कैलकुलेशंस करते हैं, पैमाइश करते हैं और अपनी कैलकुलेशंस को मेजरमेंट्स को हासिल करते हैं। मैथमेटिक्स के इस मसले का हल जो कि ज्योमेट्री के जरिए किया गया, वो भी पहली मरतबा अहमद बिन मूसा बिन शाकिर ने ही किया। यही वजह है कि आज भी साइंस की दुनिया में अहमद बिन मूसा बिन शाकिर के नाम को सुनहरी हरूफ से लिखा जाता है और अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है।